हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? होपफुली सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम लोग हमारा जो चैप्टर है द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, उसका थर्ड लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। आज बच्चों सेकंड पार्ट पढ़ने वाले हैं, हैंड लेबर एंड द स्टीम पावर। ओके, लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने रीड किया था, हम लोग थोड़ा सा उसे रिवाइज कर लेते हैं। बेसिकली ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा रिवाइज करने वाले हैं। हम लोगों ने लास्ट यहाँ चैप्टर कम्प्लीट किया था। स्टोरियंस नाउ है कम टू इंक्रीजिंगली रिकॉग्नाइज दैट द टिपिकल वर्कर इन द मिड 19th सेंचुरी वॉज नॉट अ मशीन ऑपरेटर बट द ट्रेडिशनल क्राफ्ट पर्सन इन द लेबर। ठीक है, तो हम लोगों ने पढ़ा था मशीन्स के आने के बाद भी जो हैंड लेबर थी वो अपने तरीके से काम कर रही थी। हम लोगों ने पढ़ा था कि 80% जो लेबर थी अभी भी वो मशीन्स के आने के बाद भी जो छोटी छोटी वर्कशॉप थी उनमें काम कर रही थी। तो हिस्टोरियंस ने ऐसा कहा कि नाउ है कम टू इंक्रीजिंगली रिकॉग्नाइज दैट द टिपिकल वर्कर इन द मिड 19th सेंचुरी वॉज नॉट मशीन ऑपरेटर। जो 19th सेंचुरी में काम करने वाला वर्कर था वो मशीन ऑपरेटर नहीं था बट द ट्रेडिशनल क्राफ्ट पर्सन इन द लेबर। पूरी लास्ट क्लास में हम लोगों ने यही डिस्कस किया था। अब हम लोग बच्चों आज सेकेंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं और ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है। अगर आप लोगों ने फर्स्ट और सेकेंड लेक्चर नहीं देखा हो तो जाकर उसे एक बार बच्चों देख लेना। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं हैंड लेबर द स्टीम पावर। ये हमारे चैप्टर का सेकंड पार्ट है। ठीक, चलो देखते हैं हम लोग। अब हम लोग कंपैरिजन करने वाले हैं। जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था हम उससे अब आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। हम लोग कंपैरिजन करने वाले हैं कि हैंड लेबर और स्टीम पावर में क्या बेटर था, क्या फायदे थे उसके, क्या नुकसान थे। स्टीम पावर से मतलब यह मशीन से है, क्योंकि जो उस समय स्टीम इंजन डेवलप किया गया था जिससे मशीन चलती थी। चलो, इन विक्टोरियन ब्रिटेन देयर वाज अ नो शॉर्टेज ऑफ ह्यूमन लेबर। Poor peasants and the vagrants moved to the cities in the large number in search of jobs, waiting for work. As you will know, when there's a plenty of labor, wages are low. So industrialists had no problem of labor shortages or the high wage cost. They did not want to introduce machines that got rid of the human labor and required large capital investment. हम बात कर रहे हैं विक्टोरियन ब्रिटेन की, जब क्वीन विक्टोरिया का रूल था ब्रिटेन पे। तो देयर वाज नो शॉर्टेज ऑफ द ह्यूमन लेबर, मतलब वहां पर ह्यूमन लेबर की कोई कमी नहीं थी। जो पुअर पीजेंट्स थे, जो जॉब की सर्च में गांव से शहरों में आ जाते थे, उनकी कोई कमी नहीं थी। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि जब भाई लेबर ज्यादा हो, काम करने वाले लोग ज्यादा हो और डिमांड कम हो, ऐसा समझो आप, जब काम करने वालों की डिमांड 100 हो और सप्लाई 200 हो, मतलब जब काम करने वालों की डिमांड 100 है और सप्लाई 200, मतलब अप्लाई 200 लोग कर रहे हैं, तो जो रखने वाला है ना उनको जॉब पर, वो इजीली नेगोशिएट कर सकता है कि भैया हम तो इतनी सैलरी नहीं देंगे, इतनी सैलरी देंगे, आपको काम करना है तो करिए, नहीं तो दूसरा बंदा काम करने के लिए तैयार खड़ा है। इसका उल्टा भी बिल्कुल ठीक है, जब डिमांड ज्यादा हो सप्लाई कम हो, मतलब लेबर की डिमांड ज्यादा है, 100 लोगों की डिमांड है, 50 लोग काम करने वाले हैं, तो फिर लेबर को उनकी मर्जी का पैसा मिलेगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं था और ऐसा कभी होता भी नहीं है। हमेशा जॉब सीकर ज्यादा होते हैं, जॉब्स हमेशा कम होती हैं। तो ऐसा ही विक्टोरियन ब्रिटेन में था। इंडस्ट्रियलिस्ट हैड नो प्रॉब्लम ऑफ लेबर, उनके पास लेबर की कोई दिक्कत नहीं थी। शॉर्टेज और हाई वेज कॉस्ट, ना उनको ज्यादा पैसा देना था, क्यों? क्योंकि जॉब करने वाले इजीली मिल जाते थे, लेबर इजीली मिल जाती थी, वो भी कम पैसे पर काम करने के लिए। सो दे डिड नॉट वॉन्ट टू इंट्रोड्यूस मशीन्स, इसलिए वो मशीन्स इंट्रोड्यूस करना नहीं चाहते थे, क्योंकि मशीन जो थी काफी महंगी थी, उनमें बहुत सारा खर्चा हो जाता था। एक तो ये रीजन था, काफी मशीन महंगी थी और उनको लेबर आराम से मिल जाती थी इजीली। मशीन के संग एक चीज ये भी है, उनको मेंटेनेंस चाहिए। मशीन खरीद लिया आपने, उनको आपको मेंटेन करना पड़ेगा, लेकिन लेबर के संग ये है, जब रिक्वायरमेंट नहीं है आपने उसे मना कर दिया। चलो आगे देखते हैं। इन मैनी इंडस्ट्रीज द डिमांड फॉर लेबर वॉज सीजनल। गैस वर्क्स एंड द ब्रेवरीज were specially busy through the cold months, so they needed more workers to meet their peak demands. Bookbinders, printers, catering to the Christmas demands too needed extra hands before December. ठीक है, अब बहुत सारी इंडस्ट्रीज बच्चों ऐसी थी जहां पे लेबर की डिमांड सीजनल थी। फॉर एग्जाम्पल, आप जैसे समझो कोल्ड ड्रिंक और आपकी आइसक्रीम इंडस्ट्री है, गर्मियों में ज्यादा चलती है, सर्दियों में कम चलती है, तो लेबर की रिक्वायरमेंट कम होती है। तो उस समय भी ऐसा था। फॉर एग्जाम्पल, जैसे गैस वर्क्स बोल रहे हैं, ब्रेवरीज, ब्रेवरीज मतलब जो पीने वाली चीजें हैं, वर स्पेशली बिजी थ्रू द कोल्ड मंथ्स, सर्दियों के समय इनकी डिमांड ज्यादा थी। सो दे नीडेड द मोर वर्कर्स टू मीट देयर पीक डिमांड्स, तो उनको अपनी पीक डिमांड्स पूरा करने के लिए वर्कर्स की जरूरत ज्यादा होती थी। बुक बाइंडर्स, जो बुक बाइंडर्स थे,
प्रिंटर्स थे, इनको भी जरूरत पड़ती थी कैटरिंग, कब, क्रिसमस के समय ज्यादा जरूरत पड़ती थी, तो नीडेड एक्स्ट्रा हैंड्स बिफोर द दिसंबर, मतलब कैटरिंग टू द क्रिसमस डिमांड, मतलब क्रिसमस की डिमांड्स को पूरा करने के लिए इन्हें भी दिसंबर से, 25 दिसंबर को क्रिसमस आता है, तो क्रिसमस से पहले इन्हें एक्स्ट्रा लोगों की जरूरत पड़ती थी। तो भाई लेबर है तो अपने हिसाब से लोग हायर कर लेंगे, जब काम पूरा हो जाएगा उसे हटा देंगे, लेकिन मशीन्स के संग ऐसा नहीं है, मशीन्स आपने खरीद ली तो आपको उनको मेंटेन करना है। एट द बॉर्डर फ्रंट विंटर वॉज द टाइम दैट ships were repaired and spruced up in all such industries where production fluctuated with the season. Industrialists usually preferred hand labor employing worker for the season. अब बात करें सर्दियों में, वो समय था जब सारे ships लौट आते थे, जो भी ships के थ्रू व्यापार करते थे, ट्रेड करते थे, वो सब लोग क्रिसमस मनाने के लिए अपनी फैमिली के पास आ जाते थे, तो जो भी छुट्टियां उनकी रहती होंगी इस बीच वो ships भी अपने रिपेयर करवा लेते थे। तो इसमें भी कैसी लेबर चाहिए, हैंड लेबर चाहिए, क्योंकि ये भी कैसी डिमांड है, अकॉर्डिंग टू सीजन है। तो इन सारी इंडस्ट्रीज में जो प्रोडक्शन था वो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होता था, इसलिए कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैंड लेबर को ही प्रेफर करता था, ठीक है ना, इसके स्टीम इंजन के या मशीन्स के, क्योंकि यहाँ पे अपने हिसाब से वो इजीली हटा सकते थे और रख सकते थे। ये रीजन भी हो गया, एक हमने कहा महंगा था, लेबर की डिमांड जो थी वो कम थी, सप्लाई ज्यादा थी, एक रीजन ये हो गया। फिर दूसरा रीजन ये है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज में डिमांड फ्लक्चुएट होती थी अकॉर्डिंग टू सीजन, तो ये दो रीजन हो गए। नेक्स्ट पढ़ रहे हैं हम लोग, अ रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स कुड बी प्रोड्यूस ओनली विद हैंड्स लेबर, मशीन्स वर ओरिएंटेड टू प्रोड्यूसिंग यूनिफॉर्म स्टैंडर्डाइज्ड गुड फॉर द मास मार्केट, बट द डिमांड इन द मार्केट वॉज ऑफन फॉर गुड्स विद इंटीग्रेटेड डिजाइन एंड द स्पेसिफिक शेप्स। In mid-19th century, Britain, for instance, 500 varieties of hammers were produced, and the 45 kind of axes. These requires human skill, not machine technology. अब एक रीजन और था, भाई मशीनें चीज बनाएंगी कैसी, एक सी, कोई भी चीज बनाएगी तो मशीन एक चीज के हजारों पीस या लाखों पीस निकाल देगी, ठीक है। अब बोल रहे हैं कि भैया यूनिफॉर्म चीजों की डिमांड होती थी वहां, सॉरी प्रोड्यूसिंग यूनिफॉर्म्स, एक जैसी चीजें बनाएंगे मशीन्स। अब वहां पे डिमांड होती थी कुछ अलग तरीके की चीज, मतलब फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास है, किसी और के पास ना, अब वो मशीन से तो बनेगा नहीं, ठीक है, हैंडमेड होगा या ऑर्डर टू मेड होगा। तो ऐसी चीजों की डिमांड विक्टोरियन ब्रिटेन में बहुत थी, जो पैसे वाले लोग होते थे वो ऐसी चीजें चाहते थे जो हमारे पास हो, किसी और के पास ना हो। जनरली आज क्या होता है, मशीन से चीजें बनाई जाती हैं, ठीक है, एक जैसी होती हैं, सबके पास कॉमन, वो चीज आपके पास है, वो चीज मेरे पास भी हो सकती है या आपके किसी फ्रेंड के पास भी हो सकती है, लेकिन उस समय डिमांड थी ऐसी चीजों की, यूनिक चीजों की जो केवल हमारे पास हो। तो फॉर एग्जांपल जैसे बता रहे हैं, इन मिड 19th सेंचुरी ब्रिटेन फॉर इंस्टेंस 500 वराइटीज ऑफ हैमर्स, 500 तरीके के हैमर्स बनते थे, है ना, वर प्रोड्यूस इन द 45 काइंड ऑफ एक्सेस। These required human skill, not machine technology, not mechanical technology. तो इनके लिए किस चीज की रिक्वायरमेंट है, हाथों से बनने वाली चीजों की, ना कि मशीनों की, ठीक है ना। मैंने समझाया आपको कि रिच लोग जो थे वो यूनिफॉर्म चीजें खरीदना पसंद नहीं करते थे, कुछ ऐसा मेरे पास हो जो मैं लोगों को दिखा सकूं, जो और किसी के पास ना हो, तो हाथ से ही बनेगा। मतलब हम बता रहे हैं कि मशीन के कंपैरिजन में हैंड लेबर को प्रेफर क्यों किया जा रहा था, ठीक है। इन विक्टोरियन ब्रिटेन द अपर क्लासेस द एरिस्टोक्रेट्स एंड द बॉर्गीज प्रेफर्ड थिंग्स प्रोड्यूस बाय द हैंड। मैंने आपको बताया कि जो एरिस्टोक्रेट्स थे, जो राजा होते हैं, उनके मंत्री होते हैं एरिस्टोक्रेट्स, तो वो लोग हाथों से बनी हुई चीजें पसंद करते थे, ना कि मशीन से बनी हुई। हैंडमेड प्रोडक्ट्स केम टू सिंबलाइज रिफाइनमेंट इन द क्लास, बोलते हैं क्लास, एक बहुत अच्छी क्वालिटी क्लास है इसमें, तो रिफाइनमेंट मतलब एकदम जिसमें कमियां ना हो, रिफाइन मतलब होता है जिसमें कमियां ना हो, तो रिफाइनमेंट ऑफ क्लास को शो करता था हाथ से बनी हुई चीजें। देवर बेटर फिनिश, ज्यादा अच्छी फिनिशिंग होती थी इनमें, इंडिविजुअली प्रोड्यूस आपके हिसाब से बनाई जाएंगी, आपको चाहिए ऐसा इस कलर का, ऐसा नहीं वैसा, तो आपके हिसाब से बनाई जाएंगी एंड केयरफुली डिजाइन। मशीन मेड गुड्स वर एक्सपोर्ट टू द कॉलोनीज, मशीन से बनी हुई चीजें कॉलोनीज में भेज दी जाती थी, क्यों, क्योंकि माना जाता था कॉलोनीज में जो लोग हैं वो गरीब हैं, वो महंगी चीजें नहीं खरीदेंगे, तो उन लोगों के लिए यूनिफॉर्म चीजें, एक सी चीजें भेज दी जाती थी। इन कंट्रीज With a shortage, with a labor shortage, industries were keen on using the mechanical power so that
The need for the human labor can be minimized. This was case in the 19th century America. Britain, however, had no problem with the hiring human rights. अब इसका दूसरा पार्ट देखते हैं. अब कुछ कंट्रीज ऐसी थी जहां पे ह्यूमन लेबर की शॉर्टेज थी. फॉर एग्जाम्पल जैसे बोलते हैं हम लोग अमेरिका में ह्यूमन लेबर की शॉर्टेज थी. तो वहां के इंडस्ट्रियलिस्ट चाहते थे कि भाई लेबर बहुत परेशान करती है, शॉर्टेज है, तो अब लेबर भी अपने हिसाब से काम करेगी, अपनी डिमांड्स पे काम करेगी. हम पैसे इतने नहीं इतने लेंगे, आपको काम करवाना है तो करवाइए, नहीं तो हमें दूसरी फैक्ट्री में काम इजीली मिल रहा है. तो वहां से सिचुएशन उल्टी थी. तो अब ये लोग चाहते थे कि जल्दी से जल्दी हम लोग मशीन्स लगा ले तो लेबर प्रॉब्लम से हमको छुटकारा मिल जाए, जबकि ब्रिटेन में ऐसा कुछ नहीं था. ब्रिटेन में खूब लेबर थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी. चले अब हम बात करते हैं लाइफ ऑफ वर्कर्स. मशीन्स आने के बाद वर्कर्स की लाइफ पर क्या इफेक्ट पड़ा. ओके, द अबंडेंस ऑफ लेबर इन द मार्केट अफेक्टेड द लाइव्स ऑफ वर्कर्स. न्यूज ऑफ पॉसिबल जॉब्स ट्रेवल टू द कंट्री साइड. Hundreds tramped to the cities. The actual possibility of getting a job depend on existing network of the friendship and the kin relations. If you had a relative or a friend in a factory, you were more likely to get a job quickly. But not everyone had social connections. Many job seekers had to wait weeks, spending nights under the bridges or in the night shelter or in the night shelters. Some states, the night refugees that were set up by the private individuals, other went to the casual wards maintained by the poor law authorities. ठीक है, अब बोल रहे हैं भाई लेबर की जो सप्लाई ज्यादा थी उससे क्या हो रहा था, वर्कर्स की लाइफ पर नेगेटिव इफेक्ट आ रहा था. कैसे नेगेटिव इफेक्ट आ रहा था भाई, बोल रहे हैं जैसे ही न्यूज पहुंचती थी गांव में, कोई न्यूज पहुंची कंट्री साइड में, शहरों के बाहर न्यूज पहुंची कि भैया कुछ जॉब इस इंडस्ट्री में निकली है या इस फैक्ट्री में निकली है, तो हंड्रेड्स ऑफ टाइम टू द सिटीज, तो सैकड़ों लोग शहरों की ओर भाग चलते थे, लेकिन जॉब मिलना भी इतना आसान नहीं था. अगर उस फैक्ट्री में आपका कोई फ्रेंड है पहले से काम कर रहा है या किसी अथॉरिटी से आपकी पहचान है फैमिली के, तो आपको उस फैक्ट्री के, तो आपको जॉब इजीली मिल जाएगी, नहीं तो बहुत मुश्किल था. मतलब आपके सोशल कनेक्शन, जिसको हम लोग इंडियन लैंग्वेज में बोलते हैं, अगर आपकी जुगाड़ है तो आपको मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा. मैनी जॉब सीकर्स हैड टू वेट वीक्स, मतलब बहुत सारे जॉब जो सीकर्स थे जिनको जॉब चाहिए थी उन्हें हफ्तों वेट करना पड़ता था. अब ऑब्वियसली वो लोग गरीब हैं, घर नहीं है उनके पास, तो कहीं वो ब्रिजेस के नीचे नाइट काट रहे हैं, रात काट रहे हैं, या फिर छोटे छोटे से कुछ ऐसे चीप टेनमेंट्स टाइप बना दिए जाते थे. ऐसा समझो कि जैसे आप लोग हॉस्टल्स में देखते हो कि बड़े बड़े हॉस्टल्स हैं, तो वहाँ बेड डाल दिए जाते हैं, तो बेड्स के अकॉर्डिंग किराया पर नाइट का आपका कुछ किराया ले लिया जाएगा अकॉर्डिंग टू बेड. सस्ते होते हैं तो वो लोग वहाँ रुक जाते थे. ठीक है, या फिर गवर्नमेंट उनके लिए जो पुअर लॉ अथॉरिटीज कुछ ऐसा ही व्यवस्था कर देती, नहीं कच्ची पक्की, मतलब अच्छी व्यवस्था है नहीं, उनको मजबूरी में वहां रुकना पड़ता था क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है जॉब उनको करनी है. ठीक है ना, तो किराया भर नहीं सकते, तो इस तरीके से अपनी रातें काटते थे. सीजनलिटी ऑफ वर्क इन मेनी इंडस्ट्रीज मीन प्रोलॉन्ग पीरियड्स विदाउट वर्क. आफ्टर द बिजी सीजन वॉज ओवर द पुअर वर ऑन द स्ट्रीट्स अगेन. सम रिटर्न टू द कंट्री साइड आफ्टर द विंटर व्हेन द डिमांड फॉर लेबर इन द रूरल एरियाज ओपनड अप इन द प्लेसेस. But most looked for the odd jobs, which till the mid 19th century were difficult to find. क्या बोल रहे हैं? अब बहुत सारी industries में seasonality of work थी. मैंने आपको बताया हम लोगों ने पढ़ा, जैसे book binders हैं, या braveries हैं, या ship के repairment का काम है, तो उनमें demands कैसी करती थी? Fluctuate होती थी. मतलब for example जैसे मुझे किसी कुछ कोई बनाने वाली company में मुझे काम मिल गया. अब लेकिन वो seasonal work है, 3 महीने चलने वाला है, उसके बाद मेरे पास काम नहीं है, तो फिर मैं अनएम्प्लॉयड हो गया. तो सीजनलिटी ऑफ वर्क, बहुत सारी इंडस्ट्री में सीजनलिटी ऑफ वर्क था. अब इसका मतलब था कि प्रोलॉन्ग पीरियड्स विदाउट वर्क, मुझे लंबा समय बिताना पड़ेगा बिना काम के. बिजी सीजन ओवर हो गया, दिसंबर जैन फेब में काम मिला, उसके बाद मेरे पास काम नहीं है, तो बिजी सीजन ओवर हो गया. द पुअर वर ऑन द स्ट्रीट्स अगेन, पहले काम मिल गया था, ठीक ठाक किराए का मकान ले लिया, रहने लगा, लेकिन लोग फिर से सड़कों पर क्योंकि कुछ काम नहीं है. सम रिटर्न टू द कंट्री साइड, कुछ जो लोग थे अपने गांव वापस लौट जाते थे आफ्टर द विंटर्स, है ना. विंटर इसलिए बोल रहे हैं बच्चों, वहां पे न्यू ईयर होता है, क्रिसमस होता है, तो वहां पर काम काफी होता है. वहां पे जैसे हमारे यहाँ दीपावली पे या जो हमारे यहाँ शादियां होती हैं, सारक बोलते हैं उसको हम लोग, सहालक भी बोलते हैं, तब काम ज्यादा होता है. ओके, द डिमांड फॉर द लेबर इन द रूरल एरियाज ओपन अप, तब थोड़ी सी डिमांड इनकी रूरल एरियाज में बढ़ जाती थी. रीजन ये था, वहां पर वो लोग खेती में अपने काम में लग जाते थे.
बट मोस्ट लुक फॉर डॉट्स ऑफ, लेकिन ज्यादातर जो लोग थे वो गांव जाना वापस प्रेफर नहीं करते थे, छोटा मोटा जो काम मिल जाए और जॉब्स जो काम मिल जाए लोग कर लेते थे, विच टिल द मिड 19th सेंचुरी वर डिफिकल्ट टू फाइंड, लेकिन ये काम भी मिलना इतना आसान नहीं था। ओके चलो आगे चलते हैं, अच्छे से समझ में आया होगा आपको। कुछ प्रॉब्लम होती है, कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है, तो उसे एक बार फिर से देखा करो, कमेंट करके मुझे बताया भी करो कि क्या दिक्कत आ रही है। पेजेस इंक्रीज्ड समव्हाट इन द अर्ली 19th सेंचुरी बट दे टेल अस लिटिल अबाउट द वेलफेयर ऑफ द वर्कर्स। द एवरेज फिगर्स हाइड द वेरिएशन बिटवीन द ट्रेड एंड द फ्लक्चुएशन फ्रॉम ईयर टू ईयर। ठीक है, वेजेस तो कुछ बढ़ी लेकिन उससे बहुत ज्यादा फायदा नहीं हुआ इन द अर्ली 19th सेंचुरी, बट दे टेल अस लिटिल अबाउट द वेलफेयर ऑफ द वर्कर, लेकिन वर्कर्स का बहुत ज्यादा उससे फायदा नहीं हुआ। आपको एवरेज फिगर दे दिया गया कि इतनी बढ़ी, लेकिन ये बताया नहीं गया कि उस बीच चीजों के दाम भी तो बढ़े। अब ऐसा समझो, फॉर एग्जाम्पल, जैसे मुझे 100 रुपीज वेज मिलती है, मजदूरी मिलती है, और मैं एक ब्रेड का पैकेट खरीदता हूँ जो कि 2 रुपए का आता है। अब वो ब्रेड का पैकेट जो था वो 3 रुपए का हो गया, ठीक है, मतलब उसकी कॉस्ट 50% बढ़ गई। तो अगर मेरी इनकम 100 से 150 रुपये होती है तो ओके है, क्यों, क्योंकि जिस हिसाब से महंगाई बढ़ी उस हिसाब से मेरी इनकम बढ़ गई। लेकिन मेरी इनकम 100 रुपये से 120 रुपये हुई, तो अगर कायदे से देखा जाए तो मेरी रियल वेज कम हो गई। आप बोलोगे वेज तो बढ़ी, हाँ वेज तो बढ़ी, लेकिन महंगाई के अकॉर्डिंग तो नहीं बढ़ी, महंगाई 50% बढ़ी, तो मेरी जो वेजेस थी वो भी 50% बढ़नी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो हम लोग इसे बोलते हैं रियल वेजेस नहीं बढ़े, तो यहाँ पर ये छुप जाता है। फॉर इंस्टेंस, व्हेन द प्राइसेस रोज शार्पली ड्यूरिंग द प्रोलॉन्ग नेपोलियनिक वॉर, द रियल वैल्यू ऑफ व्हाट द वर्कर्स अर्न फेल सिग्निफिकेंटली सिंस द सेम वेजेस कुड नाउ बाय अ फ्यूअर थिंग्स। वही बता रहे हैं कि जब भैया नेपोलियनिक वॉर चली, जब लंबी लड़ाइयाँ चली, तो वर्कर्स की इनकम तो बढ़ी लेकिन उतनी नहीं बढ़ी जितनी बढ़नी चाहिए थी, जितनी महंगाई बढ़ी, तो इससे तो उल्टा कम ही हो गया, एक तरीके से उनकी इनकम कम हो गई। मतलब जितना पहले खरीदते थे अब उतने ही पैसे में उनको थोड़ा सा कम मिल रहा है। मोर ओवर द इनकम ऑफ वर्कर्स डिपेंड नॉट ऑन द वेज रेट अलोन, वॉट वॉज ऑल्सो क्रिटिकल वॉज द पीरियड ऑफ एम्प्लॉयमेंट, द नंबर ऑफ डेज ऑफ वर्क डिटरमाइन द एवरेज डेली इनकम ऑफ द वर्कर। और केवल वेजेस पे थोड़ी डिपेंड करता है, भाई मेरी वेज 500 रुपये रोज की है, ठीक है, लेकिन मुझे काम तो 6 महीने मिलता है। बात समझो, मेरी वेज 500 रुपये रोज की है, मतलब मेरा मालिक मुझे 500 रुपये रोज देता है, लेकिन मुझे काम 6 महीने मिलता है। अगर आप एवरेज वेज लगाओगे साल भर की, तो मेरी वेज कितनी हो गई, 250 रुपये तो हो गई। तो मुझसे अच्छा तो वो वर्कर है जिसे 300 रुपये या 350 रुपये रोज मिलता है, लेकिन साल भर काम मिलता है, ठीक है। अगर मेरी एवरेज वेज लगाएंगे तो कितनी हो गई, 250 रुपीज हो गई। तो ये भी डिपेंड करता है कि कितना टाइम आपको काम मिल रहा है, ठीक है। तो मोर ओवर द इनकम ऑफ द वर्कर्स डिपेंड नॉट ऑन द वेज रेट अलोन, बट वॉज ऑल्सो द क्रिटिकल वॉज द पीरियड ऑफ एम्प्लॉयमेंट, द नंबर ऑफ डेज ऑफ वर्क डिटरमाइन द एवरेज डेली इनकम ऑफ द वर्कर। एट द बेस्ट ऑफ द टाइम टिल द मिड 19th सेंचुरी अबाउट 10% ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन वॉज एक्सट्रीमली पुअर। जब सबसे अच्छा समय भी वहाँ चल रहा था तब भी जो उनकी 10% पॉपुलेशन थी एक्सट्रीमली पुअर थी, पुअर तो और भी हो सकता है लेकिन 10% एक्सट्रीमली पुअर थी, जो अपने लिए खाना भी नहीं कमा पा रहे थे। इन पीरियड्स ऑफ द इकोनॉमिक स्लम लाइक द 1830s इकोनॉमिक स्लम, मतलब जब इकोनॉमिक स्लो डाउन आ जाता है, जैसे अभी कोरोना के समय हमारे इंडिया में आया, द प्रोपोर्शन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयड वेंट अप टू द बिटवीन 35% and 75% द डिफरेंट रीजन। मतलब जब इकोनॉमिक स्लम पाए, कुछ भी ऐसी दिक्कत आए, तो जो अनएम्प्लॉयमेंट था कहाँ से पहुंचा था, तो 35 to 75 इतना नीचे चला जाता था। द फियर ऑफ, अब जैसे और समझते हैं, द फियर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट मेड वर्कर हॉस्टाइल टू द इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू टेक्नोलॉजी व्हेन द स्पिनिंग जेनी वाज इंट्रोड्यूस्ड। ठीक है, अब एक दिक्कत और थी, अब नई टेक्नोलॉजी आ रही थी, भैया पहले से ही काम कम था, है ना। अब कुछ फैक्ट्रीज में तो नई टेक्नोलॉजी वो लोग फॉलो कर रहे हैं, अब काम पहले से ही कम है, नई टेक्नोलॉजी आ जाएगी तो काम और कम हो जाएगा, है ना, वर्कर्स और ज्यादा अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। तो ये लोग नई टेक्नोलॉजी के दुश्मन बन जाते थे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये स्पिनिंग जेनी, ये स्पिनिंग करने के लिए, कपड़े को बुनने के लिए एक मशीन लाई गई थी, दैट इज अ स्पिनिंग जेनी। इंट्रोड्यूस जब की गई ना, तो जो औरतें थी उन्होंने इस पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया है ना। द वूल इंडस्ट्री वुमेन हु सर्वाइव्ड ऑन द हैंड स्पिनिंग बिगेन अटैकिंग द न्यू मशीन्स। तो उन्होंने नई मशीन्स पे अटैक करना स्टार्ट कर दिया, जहां वो देखती थी रात के समय जाके वो लोग उसे तोड़ देते थे। क्यों तोड़ देती थी, क्योंकि उन्हें लगता था अब जो हमसे काम करवाता था, जो हम लोग हैंड स्पिनिंग करते थे,
अब वो मशीन से कर लेगा काम, तो जो 10 औरतों को काम देता था वो 3 औरतें ही कर लेंगी। तो हम लोग बड़े दुश्मन हो गए नई टेक्नोलॉजी के लिए। द कॉन्फ्लिक्ट वॉज ओवर द इंट्रोडक्शन ऑफ द जेनी कंटिन्यूड फॉर लॉन्ग टर्म, और ये लंबे समय तक चलता रहा। फिर क्या हुआ आफ्टर द 1840s, 1840s के बाद थोड़ी सी कंडीशन सुधरी। बिल्डिंग एक्टिविटी इंटेंसिफाइड इन द सिटीज, शहरों में बिल्डिंग एक्टिविटीज बढ़ गई, मतलब नई बिल्डिंग्स बनना, रोड्स बनना, रेलवेज बनना, है ना। ओपनिंग अप ग्रेटर अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो लोगों के सामने एम्प्लॉयमेंट की नई अपॉर्चुनिटीज आ गई। रोड्स फॉर वाइडर, सड़कें चौड़ी की जा रही थी। न्यू रेलवे स्टेशन केम अप, नए नए रेलवे स्टेशन बनाए जा रहे थे। रेलवे लाइन्स बिछाई जा रही थी, टनल्स खोदी जा रही थी, ड्रेनेज सिस्टम तैयार किया जा रहा था। ड्रेनेज जो पानी को बहाने के लिए सिस्टम होता है किसी भी शहर में, जिसे आप लोग नाले और नालियां बोलते हैं, तैयार किया जा रहा था। एंड द सीवर लेड, है ना, सीवर्स बनाए जा रहे थे। रिवर एम्बैक्ट, रिवर्स के किनारे, इनको एम्बैकमेंट बोलते हैं, किया जा रहा था। द नंबर ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड इन द ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री डबल्ड इन द 1840। ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में काम बढ़ रहा था, एंड द डबल्ड अगेन इन द सब्सिक्वेंट 30 ईयर्स। मतलब जो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में काम कर रहे थे वो 1840 तक आते आते डबल हो गए वर्कर्स। फिर 30 सालों में और डबल हो गए वर्कर्स। अगर 5 करोड़ काम कर रहे थे तो वहां 10 करोड़ काम करने लगे। बच्चों ये हमारा सेकेंड पार्ट जो है कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द कॉलोनीज, हम लोग इंडिया वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे। हमारा जो ये था ब्रिटेन वाला, या कहना चाहिए यूरोप वाला पार्ट कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये स्टार्ट करेंगे। बच्चों अपने फ्रेंड्स के संग शेयर करना, ठीक है, सब्सक्राइब कर देना, और मुझे कमेंट करके बताना, लाइक भी कर देना। और चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको इसके क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। चलो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।